ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज, सत्य सटीक विश्वसनीय। नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनल व्यास। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इछावर सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री रमाकांत भार्गव एवं इछावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री करण सिंह वर्मा के द्वारा किया गया। सिविल अस्पताल इछावर के द्वारा विभिन्न चिकित्सा गतिविधियों एवं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें शिविर लगाकर आम जनता के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री करण सिंह वर्मा ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का प्रयास समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की सुविधाओं को आसानी से उपलब्ध कराना है, जिसका निरंतर प्रयास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रत्येक योजना समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन कल्याणकारी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री रमाकांत भार्गव ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाओं का संचालन जन कल्याण के लिए किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हमारे अस्पतालों ने जिस प्रकार से जन सेवा की है वह सराहनीय है। साथ ही सांसद श्री भार्गव ने इछावर के सिविल अस्पताल प्रबंधन की भी मंच से तारीफ की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भारत भूषण शर्मा द्वारा सभी अतिथियों का अभिवादन किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष कैलाश सुराना, जनपद अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा, मंडल अध्यक्ष पप्पू नागर, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भूपेंद्र सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ भाजपा नेता दुर्गा प्रसाद वर्मा, सुरेंद्र धारीवाल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा, पंकज गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी इछावर सहित प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारी एवं आम नागरिक गण उपस्थित रहे। आईसीएन के लिए परवेज खान और ललित मुकाती की रिपोर्ट। सत्य सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय।